ओके तो सबसे पहले तो वेलकम टू जूम। थैंक यू। तो इस स्टोरी के बारे में जानना चाहेंगे, तेरी मेरी डोरिया, तो आखिर ये स्टोरी क्या है? सबसे पहले तो सब दर्शकों को अविनाश वधावन का नमस्कार, प्यार। और स्टार प्लस के इस शो तेरी मेरी डोरियों में मैं एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहा हूँ, इंद्रपाल ब्रार। और जैसा कि आपने पूछा कि इसकी कहानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ही, जैसे स्वेटर बुनते हैं तो उसके बहुत सारे डिज़ाइंस और बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स में बन सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे जो रिश्ते हैं, चाहे वो मेरा और मेरी पत्नी के बीच हो, चाहे बेटे और दादा के बीच हो दारजी, या मैं जो कि अंगद जो कि हमारा लीड बॉय है उसका पिता का रोल कर रहा हूँ, मेरा और मेरे बेटे का रिलेशनशिप, मेरे और मेरे दारजी का रिलेशनशिप, मेरा मेरी पत्नी के साथ रिलेशनशिप, ब्रार फैमिली का और मोंगा फैमिली के आपस का रिलेशनशिप, ये जो डोरियाँ हैं बंधी हुई हैं अलग अलग रिश्तों की, ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि लव हेट रिलेशनशिप, वैसा कुछ है सबके बीच में। हमारी पूरी फैमिली में हम मेरा एक भाई है, उसका एक बेटा है, एक बहन है, उसका भी बेटा है, तो तीन कजन्स हैं। इनका आपस में रिलेशनशिप बहुत ही जैसे कह सकते हैं कि जेलसी भी है एक भाई को दूसरे भाई के प्रति। एक भाई जो मेरा बेटा है अंगद, वो फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जेन्युइन तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है। मैं कभी भी बिजनेस में नहीं आना चाहता था। मेरे दारजी, मेरे यानी मेरे पिताजी जो हैं, उनकी बहुत इच्छा थी कि उनका बड़ा बेटा यानी कि मैं बिजनेस में आगे बढ़ूं, बिजनेस को आगे लाने में मदद करूं फैमिली की, लेकिन मैं शुरू से ही बिजनेस और इन सब चीज़ों से दूर रहता था। मेरा एक ही गोल था, एक अच्छा हॉकी प्लेयर बनना। और हॉकी प्लेयर अच्छा, और मैं वाकई में बहुत अच्छा प्लेयर था अपने स्कूल में, कॉलेज में, और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूं। तो मेरा पूरा टारगेट जो था वो अलग था। मुझे जब भी दारजी ने कुछ काम दिया बिजनेस के सिलसिले में, मैं वो अधमने मन से करता था और कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती थी क्योंकि मेरा फोकस वहाँ नहीं होता था। इसकी वजह से दारजी और मेरे बीच में बहुत झगड़े होते थे। एक बार उन्होंने मेरी हॉकी स्टिक तोड़ दी। उस दिन से मैं उनके बहुत ही अगेंस्ट हो गया। मैंने अपने बाल भी कटवा लिए, मैं मोना बन गया, और एक फैमिली के साथ मेरा रिश्ता एक फॉर्मल सा हो गया, जिसे आप फॉर्मल रिश्ता कह सकते हैं। बीजी यानी जो मेरी मदर का रोल कर रही हैं अमरदीप जी, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, माँ को मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, लेकिन अपने खुद के दारजी को मैं नाम से बुलाता हूँ, मैं उनको दारजी या आप कह के नहीं बुलाता, नहीं शायद आप कहता हूँ, लेकिन मैं नाम से बुलाता हूँ। कभी भी मेरा उनका कुछ आपस में बातचीत होती है या मैं इनडायरेक्टली भी उनके बारे में बातचीत करूंगा तो मैं उनका नाम लेके बुलाता हूँ। तो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है हमारी फैमिली के बीच। और बेटे का रिश्ता मेरे साथ थोड़ा सा अनबन वाला कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा टोटली बिजनेस माइंडेड है और वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दारजी उसकी मदद लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा और मेरे पिताजी ये एक टीम में आ गए हैं और मैं अपने आप को थोड़ा सा इनसे अलग समझता हूँ। प्यार है दिल में बहुत अपने बेटे के लिए, अपने पिता के लिए इज्जत भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो अपनी तरफ एक इज्जत और प्यार अपनी तरफ और दिल के गिले शिकवे अपनी तरफ। तो वैसा ही कुछ मैं आपको जो बेसिकली बता रहा हूँ अपनी फैमिली का, अपना जो करेक्टर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी जो कहानी है वो तो जब आप देखेंगे शो 4 जनवरी से 7 बजे लॉन्च होगा तो आपको इतना मज़ा आएगा, मैं आई कैन गिव यू गारंटी। इसके पहले मैंने शो किया था बिदाई, और मानेंगे नहीं आप, उस शो में भी मेरा नाम इंद्रजीत था और इस शो में मेरा नाम इंद्रपाल है, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों शोज़ के बीच। एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी आर ऑल होपिंग एंड प्रेइंग दैट दिस शो डज वेल। पीपल आई एम श्योर दे आर गोइंग टू एंजॉय द शो एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बिग शो। ओके, तो जिस तरीके से आपने बताया कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपका जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी जी। यू नो काफ़ी सारी चीज़ें हुई है उसके लाइफ में, लेकिन अगर हम
बात करें जिस तरीके से आपकी जो स्टोरी है, जर्नी कैसे ग्रो होने वाली और कैसा कनेक्शन है आपका आपके बच्चों के साथ में यहाँ दिखेगा हमें। मेरा एक ही बेटा है अंगद, जो कि हमारे शो का लीड बॉय है। एक मेरे भाई का बेटा है और एक मेरी बहन का बेटा है। हम एक ही सब घर में रहते हैं। माई सिस्टर इज़ अ डिवोर्सी, तो वो भी हमारे घर में ही रहती है। शी इज़ अ डिवोर्सी और शी इज़ सेपरेटेड, वन ऑफ द टू। बच्चों के साथ मेरा रिश्ता ज़्यादातर मेरा अपने बेटे से ही एक कनेक्शन है, जिसको आप एग्जैक्टली प्यार वाला कनेक्शन नहीं कह सकते। उसके दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है। वो जानता है कि कहीं ना कहीं मेरे और दारजी के बीच में एक फ्रिक्शन है, जिसको वो तोड़ने की कोशिश करता है बेचारा। लेकिन वो मेरी फ्रिक्शन मेरे दारजी के साथ इतनी ज़्यादा है कि मैं वो फ्रिक्शन में कहीं पर भी कमी नहीं आती है। मैं हमेशा उनके अगेंस्ट ही रहता हूँ। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी जब तीनों भाइयों का, तीनों कजन्स का एक और फैमिली है जो कि मोंगा फैमिली, मोंगा राइट, उनके जो एक और फैमिली है मोंगा फैमिली, उनकी बेटियां हैं, उनके साथ तीनों का रिश्ता जब बंधेगा फिर वो लोग हमारे घर में आएंगी। उसके बाद फैमिली के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगे, मेरा अपने मेरा अगर मेरे किरदार की बात करें तो मेरा और मेरी बहू के बीच का एक अलग बॉन्ड रहेगा, बाकियों के की बहुओं के साथ अलग बॉन्ड रहेगा। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और अभी से मैं कुछ रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों को देखने का मज़ा नहीं रहेगा। आपको भी लगना चाहिए कि इस एपिसोड के बाद नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो रहा है और उसके बाद थर्ड एपिसोड में क्या हो रहा है। सो आई वुड रादर लीव इट टू द ऑडियंस टू एन्जॉय द शो एंड वॉच एवरी एपिसोड विदाउट नोइंग वॉट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके, आपकी बॉन्डिंग कैसी है बाकी के सब जो स्टार कास्ट है उनके साथ में, एंड शूटिंग कहाँ हुई है, कौन सी लोकेशन पे हुई है? ये इसका जो एक मेन आउटडोर हुआ था लुधियाना पंजाब में हुआ था, और बाकी हम लोगों ने यहाँ फिल्म सिटी में सेट लगाया हुआ है। तो बेसिकली ये पंजाब की एक फैमिली की कहानी है, तो ऑब्वियसली जो पूरा कल्चर है वहाँ का और जो पूरा वहाँ का जो व्यवहार है लोगों का, बात करने का तरीका, हमारी लैंग्वेज में भी हिंदी के साथ साथ पंजाबी भी बहुत यूज़ हो रही है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती है पंजाबी बोलने में। तो इनफैक्ट मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि ये पंजाबी बैकग्राउंड है शो का, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट शो आई एम डूइंग विच हैज़ अ पंजाबी बैकग्राउंड। उसके पहले मैंने बहुत अच्छे अच्छे शोज़ किए हैं, लेकिन ये पंजाबी टोन वाला शो नहीं किया था अभी तक। और जब मुझे इस शो की ब्रीफिंग मिली और मुझे पूरी कहानी सुनाई गई मेरे करेक्टर को लेकर खासकर, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया ये शो करने में। और वैसे भी एक शो मेरा भी ऑफ एयर हुआ था, तो मुझे एक अच्छा शो अच्छे रोल के साथ शुरू करना था, एंड नथिंग लाइक स्टार प्लस शो प्रोड्यूस्ड बाय शायका एंड कॉकरो एंड वेरी ब्यूटिफुल टीम वी हैव। ऑल द एक्टर्स आर ग्रेट, वी आर ऑल जेलिंग ईच अदर, वी आर लाइक वी हैव बिकम फ्रेंड्स। और अभी कुछ ही दिनों की शूटिंग में हम लोग इतने क्लोज आ गए हैं कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। ओके, आपकी प्रीवियस शो की बात करें जी, तो काफ़ी अच्छा चला, लेकिन यू नो अभी भी कोस्टार्स के साथ में है वही सेम बॉन्डिंग बात होती है। बिल्कुल, हम लोग आजकल जब से व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं तब से, तो आजकल मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप का एक मेम्बर हूँ, यानी कि अपने कॉलेज और स्कूल के टाइम से जो ग्रुप्स बने हुए हैं। और मेरे जितने भी शोज़ हैं जो मैंने अब तक किए हैं, जैसे कि डोली अरमानों की, फिर मैंने बालिका वधू भी किया था, अगर तुम ना होते, विदाई, शोभा सोमनाथ की, जुनून, और भी बहुत शोज़ हैं जो मैंने किए, सब के ग्रुप बने हुए हैं। एंड यू वोंट बिलीव दैट वी आर ऑल इन टच विद ईच अदर। हम लोग शायद रूबरू एक दूसरे के सामने ना आ पाएँ बहुत फ्रीक्वेंटली, लेकिन इस ग्रुप की वजह से, ग्रुप में चैटिंग की वजह से सब लोग एक फैमिली का मेंबर बन जाते हैं। कभी भी कोई ओकेजन होता है तो मिलते भी हैं। सो आई एम वेरी मच इन टच विद ऑल माय को एक्टर्स ऑफ माय प्रीवियस शोज, और हमने इस शो का भी एक ग्रुप बना लिया है, और बहुत ही मज़ा आता है ग्रुप में एक दूसरे के साथ चैटिंग होती है। हमारा ये शो
तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पे शाम को 7 बजे 4 जनवरी से लॉन्च होने वाला है। पहला एपिसोड 4 जनवरी को आएगा शाम को 7 बजे स्टार प्लस चैनल पे, तो देखना ना भूलिएगा। क्योंकि जब आपने पहला एपिसोड देख लिया उसके बाद आप पहले एपिसोड के बाद ही इस शो के साथ हुकअप हो जाएंगे और आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। सो फ्रेंड्स प्लीज वॉच तेरी मेरी डोरियां ऑन 4th of January at 7 PM ओनली ऑन स्टार प्लस। थैंक यू वेरी मच।